हाँ भाई, अरे कल दिवाली है, फटाके लेने चल रहा है क्या? रुक जा, पापा से पैसे मांगता हूँ। पापा ढंग से बैठ पहले, तो बाप से बात करिए, दोस्त याद नहीं तेरा? बोल अब क्या हुआ? पटाके लाने थे, पैसे दे दो। कितने? 5,000 रुपए। कितने? 500 रुपए। कितने? पापा रहने दो, 5 रुपए में तो पटाके आएंगे नहीं, मैं मम्मी से मांग लेता हूँ। मम्मी पैसे दे दो ना यार, पटाके लाना है। पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? चल जाके पहले बाथरूम साफ कर। मम्मी यार बाथरूम नहीं धोऊंगा मैं। ठीक है फिर, पैसे भूल जा। ठीक है धो लूंगा। ये पापा भी ना बाथरूम इतनी गंदी करके रखते। मम्मी धो दी, लाओ दो 5,000 रुपए। 5,000? ये पकड़ 100 रुपए। 100 रुपए? इसमें तो फुलझड़ी भी नहीं आएगी। हमारे जमाने में 100 रुपए में बहुत पटाखे आ जाते थे। चल निकल यहाँ से चुपचाप। मम्मी ने सिर्फ 100 रुपए दिए पटाखे लाने के, उसमें से 50 का एक क्वार्टर लिया ना सफेद का। 100 रुपए का तो गाड़ी में पेट्रोल ही डलेगा। राम बेटा इधर अंदर आ, तो मुझे तुझसे कुछ काम है। आया पापा। ये क्या लेके आ गया? पापा पटाखे लाया हूँ। 50 रुपए में इतने पटाखे आ गए? हाँ पापा पटाखे सस्ते हो गए। अरे तो बेटा पहले बता था, अपन दुकान लगा लेते। पापा बताया तो सही, अब लगा लो। मैं लगाऊंगा दुकान, वो सब छोड़। वो पड़ोस वाले मिश्रा जी ना, उनके बेटे की गाड़ी चोरी हो गई है, तूने देखी कहीं? गाड़ी चोरी हो गई? नहीं पता यार पापा, कल सबसे पहले इसको जलाऊंगा। बेटा मैं तेरे लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। पापा कुर्ता लाया हो ना? ये देख, ये है सरप्राइज। ये कौन है? ये अपनी पड़ोसन का लड़का है, तेरे छोटे भाई जैसा है। जा बेटा अपने बड़े भाई से पटाखे ले ले। मुझे पता है मेरे पापा की कोई ना कोई सेटिंग है तेरे घर में। क्या बोला तूने? पापा आप शर्ट इन कर लो, बहुत अच्छे लगोगे। हाँ ठीक है। हाँ बेटा बता तुझे क्या चाहिए। ए, मारा क्यों तूने उसको? पापा ये फुलझड़ी मांग रहा है। बेटा अब अपन छोटे पटाखे नहीं जलाएंगे, ले तू ये बड़े वाले पटाखे जला, रख दे फटाफट। ए क्या रख दे? बेटा मैं ये बोल रहा हूँ किसको बाहर ले जाके रख दे, जब बाहर रखेगा तभी तो अपन उसको जलाएंगे। ये ले लाइटर और बाहर जला। तेरे पास लाइटर कहाँ से आया? चलो 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 अपन पटाखे जलाएंगे। चलो ये पापा है, मैं बम फोड़ दे। चलो 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 चलो। पापा छोड़ के आ गया उसको। छोड़ा? अब एक काम करे, फटाके बहुत सारे इनमें से आधे फटाके बेच दे। पापा मैं नहीं बेच रहा। तेरे को जितना बोला उतना कर। ठीक है पापा बेच देता हूँ। हाँ भैया ले लो रस्ते का माल सस्ते में। बेबी मुझे फटाके दिलाओ ना। भैया अच्छे अच्छे फटाके दिखा दो मेरे लायक। एक काम करो, ये लाल लड़ ले जाओ। लड़? ये तो मैं हाथ में ही फोड़ लेती हूँ भैया, कुछ और दिखाओ। एक काम करो मैडम, ये कचरा बम ले जाओ। क्या भैया ये कचरा बम फोड़ के मैं अपनी इज्जत का कचरा करवाऊं? तो एक काम करो, ये हेलीकॉप्टर ले जाओ, ये हवा में उड़ेगा। अरे भैया मैं इस हेलीकॉप्टर का क्या करूंगी, मैं तो ऑलरेडी पापा की परी हूँ ना। तो एक काम करो, ये फैंसी अनार ले जाओ। भैया कुछ और दिखाओ यार। अरे बेबी ले लो ना, फैंसी अनार अच्छी चीज है। तुम चुप रहो। भैया आप कुछ और दिखा रहे हो या फिर मैं यहाँ से जाऊँ? एक काम करो भाई साहब, आप ये डक ले जाओ, ये आपके वक्त जज्बात जिंदगी किस्मत सब बदल देगा। किस्मत बदल देगा वो कैसे? ये मैडम को तो ये लगा के आएंगी। जाओ बेबी इसको जला के आओ। ये देखो भाई साहब, ये फोन से भी कंट्रोल होता है। ये मैडम गई, ये मैडम ने बम रखा, और ये आपकी सारी मुसीबतें खत्म। हाँ भाई मुसीबतें तो सारी खत्म हो गई। वैसे कितने का था फटाका? 1500 रुपए का। ये लो भाई 2,000 रुपए रखो, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ठीक है भाई अगली बार कोई बड़ी मुसीबत लेके आना। हाँ भैया ले लो रस्ते का माल सस्ते में। अबे तू फटाके बेचने लग गया, तेरी यही औकात है। अबे तू ज्यादा मत बोले खेबड़ी। अरे बेटा फटाके ले रही है, ले ले, वैसे भी कल दिवाली है। अरे नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए फटाके, मेरे तो परसों एग्जाम है, और वैसे भी फटाके फोड़ने से पॉल्यूशन होता है, और ये गवार लोग फटाके बेचते हैं। चलो आप यहाँ से। हाँ चल बेटा। हेलो भाई जल्दी इधर आ। हाँ भाई बोल क्या हो गया। अबे तुम दोनों मेरी बात सुनो, इसको लेके जाओ और मेरे एक्स के घर के बाहर जब तक फोड़ना, जब तक और उसका बाप परेशान नहीं हो जाए। ठीक है भाई, धुआं धुआं कर देंगे आज तो। जाओ जल्दी।
प्लस सिक्योरिटी से तार बंदर। अबे कौन बम फोड़ रहा है यार? पापा मेरी परसों एग्जाम है यार। बेटा तू अंदर जा, मैं देखता हूँ कौन बम फोड़ता है। अबे ओए यार पापा, फिर किसी ने फटाके फोड़े? आपको पता है ना मेरे एग्जाम में मैं फेल हो गई तो? रुक बेटा मैं कुछ करता हूँ, अब नहीं होना चाहिए। हेलो जेट प्लस सिक्योरिटी, खेबड़ी नगर एबली बिल्डिंग में आ जाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर यहाँ पे एक भी फटाका फूटा तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। जाओ खड़े हो जाओ रोड पे। ठीक है बॉस। अबे भाई उसके पापा ने तो जेट प्लस सिक्योरिटी लगा दी, अब क्या करें? चलो मेरे साथ बताते हैं उनको। चलो। हाँ इन लोगों को रोको, यही बम फोड़ रहे थे। हाँ अंकल मुझे पता है, इसलिए तो पकड़ के लेके आया इनको। सालो किसी की बच्ची पढ़ रही है और तुम पटाखे फोड़ रहे हो, सॉरी बोलो। सॉरी अंकल। अरे वाह यार बेटा, एक नंबर काम किया तूने। और एक मिनट, ये क्या छुपा रखा है तूने, इतना बड़ा पटाखा? जब्त कर ले इसको पटाखे को, निकलो यहां से। ये लो अंकल, हम नहीं फोड़ेंगे ये लोग बम। बहुत बढ़िया यार बेटा, थैंक यू। ले बेटा मैं उनसे फटाके छीन लाया हूँ, अब ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, तो आराम से पढ़ाई कर। ठीक है पापा दे दो मुझे। 3, 2, 1 पापा ये क्या कर दिया आपने? जल्दी रख। अबे मेरे बच्चे की गाड़ी चोरी हो गई और तुम पटाखा फोड़ रही है नालायको। अबे कर लो पटाखा। अभी बताता हूँ। अरे कर लो, आंटी को पटाखा बोल दिया। बदतमीज, तेरे घर में माँ भी नहीं है, है? कि तेरे घर में सब फुस्ती माँ है ना, तेरी बत्ती में ऐसी आग लगाऊंगी ना 4 दिन तक फूटता रहेगा। अरे कर लो, मैं वो रोड वाले पटाखे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो मुझे कोई पटाखा नहीं दिख रहा। झूठ बोलता। अरे उसने उठाया उसने, चल मैं दिखाता हूँ देखो। अबे ये तो इधर ही आ रहे, क्या करूं? ये इसने रखा इस। देख लो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। सने फिर झूठ बोल रहा है, सुधर जा नहीं तो बहुत मारूंगी तेरे को। अबे तुम क्या ये फुलझड़ी जला रहे हो? तेरा भाई मुंह में रख के बम फोड़ेगा, देख। हाँ भाई फोड़। एक मिनट, मेरा फोन आ गया। हाँ बेबी। बेबी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ ना। दोस्तों के साथ तो दिवाली मना रहा हूँ, तुमको कहाँ जाना है? बेबी मुझे भी मेरी फ्रेंड्स के पास जाना है, स्नैप बनानी है मुझे, जल्दी आओ। ठीक है आ रहा हूँ। भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारी भाभी को छोड़ के। एक बेबी मैं आ गया। बस बेबी 5 मिनट में आई। दो घंटे बाद। बेबी कितना टाइम लगेगा? बेबी बस 2 मिनट रुको ना, बस काजल लगा कर आ रही हूँ। हेलो नितिन कहाँ है? भाई मैं तो घर आ गया यार, अब मैं सो रहा हूँ। इतनी जल्दी? हेलो अक्की कहाँ है? तुम 5 मिनट वेट नहीं कर सकते थे क्या? मेरा बस ब्लशर ही लगा रही थी ना। ये बड़ी। अरे ओ चोरसिया जी, तुम्हारे लोंडे को समझा लो, कब से बम फोड़ रहा है, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है इसने। हाँ तो त्योहार है तो फटाके तो फोड़ेगा ना। हाँ तो त्योहार है तो क्या, रात के 11 बज रही है, आपको पता नहीं है इन पटाखों से कितना पॉल्यूशन होता है? हाँ हाँ पॉल्यूशन तो होता है बेटा। सॉरी बोल अंकल को और अब मत फोड़ना। सॉरी अंकल। ये लो अंकल, ये लास्ट पटाखा बचा है, इसको भी आप अपने घर ले जाओ। चलो बाय अंकल। अरे चोरसिया जी से लड़ाई करी कुछ तो फायदा हुआ इसका। God bless you. ये क्या फूटा? अबे ये कौन सा पटाखा दिया तूने?
हैप्पी दिवाली गाइस, आपको और आपके परिवार को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना याद से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहीं वो लोग वापस से तो नहीं आ गए?